trade deficit so in this section we will compare the trade deficits between china and united states china to united states and united states to china and see where all this energy picture comes in where does that pie comes in we already talked about the us deficit with respect to china and you see all the slices that are here as i mentioned before the one missing country here is saudi arabia they import quite a bit of oil the majority is imported from Canada, but they still import quite a bit of oil from Saudi Arabia, but they export so many goods to Saudi Arabia that it all balances off only this year, 2023 that the China, the Chinese trade from other than United States went to, uh, went to other countries, not to United States. Otherwise there was a lot of things, luxury item, basically cars and stuff like that, that are imported by, um, by Saudi Arabia if you look at the chinese trade deficit you can see that for united states it's a positive quantity yeah here in this case it's a negative quantity as i said it, it is approaching a trillion dollar in 2022 2023 but if for the chinese case it's a positive number that means they are giving more goods to united states than importing goods from united states Or isme sabse badi jo hoti तेल की होती है है ना तो ये बाकी यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के तो एक बात है और अगर आप सऊदी अरेबिया का किसी और से देखें तो सऊदी अरेबिया के तकरीबन हर चीज़ हर जगह से पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट है उसकी वजह यह है कि सारे जो तेल है दुनिया का वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से जाता है तो एक उससे काफ़ी इकनॉमिक इम्पेक्ट पड़ता है दुनिया के ऊपर तो ये जो प्राइसेस जिसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट आगे पीछे होता रहता है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये प्राइस कैसे जनरेट होती है ऑयल की प्राइस जो है जैसे भी अभी मैं आपको बताऊंगा जितनी भी है वो कहाँ से आती है उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है किसी के तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइस ऑफ लिक्विड गोल्ड तो जो तेल है वो उसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है क्योंकि उससे काफ़ी सारी इकोनॉमीज उस पर डिपेंड करती हैं तो ये देखें बहुत सारे ममालिक हैं उनकी गैसोलिन प्राइस ये दो के नंबर हैं तो वेनेज़ोएला सबसे कम पॉइंट ज़ीरो टू टू वेनेज़ोएला अब आप आपको पता होगा कि वैनिजोला में सियासी हालात कितने ख़राब हैं लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि मुल्क छोटा है और उनकी ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो उनकी ऑयल प्राइस जो हैं वो बहुत कम हैंबिया ईरान दोनों को देखें वैनिजोला लेबिया के कितने सियासी हालात ख़राब हैं लेकिन तेल फिर भी कम है ईरान अल्जीरिया और सबको देखें सऊदी अरेबिया का अब बड़ा है ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू डॉलर्स पर लीटर अब बढ़ा है ये है ना हमारे पास अब जो ये तो इनकी पूरी पॉलिसी चेंज हुई थी जबकि इतना क्राइसिस आया था 2020 2021 में तो उन्होंने सारी प्राइसेस चेंज किए अब उनकी तेल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं तो ये देखें इसके अंदर वो लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जिसमें ये प्राइस बहुत ज़्यादा हैं अब ये तमाम जो जो डिपेंड करती हैं सारा इम्पोर्ट के ऊपर उनकी सारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसमें यूके है सिंगापुर है मोनाको है ये सारी चीज़ें नॉर्वे स्कैंडेवियन कंट्रीज़ बहुत सारी जो कि काफ़ी इम्पोर्ट करती हैं डिपेंड करती हैं इम्पोर्ट के ऊपर उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स का इस वक्त है एक डॉलर पर लीटर जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के करीब ही है पाकिस्तान में अभी मैंने कल देखा था यहाँ पे कल से बना दिया आज 2023 की बात है कि यहाँ पे तकरीबन 300 कुछ रुपए था तो वो बराबर हो गया एक डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा चाइना का 1.3 डॉलर्स पर लीटर तो ये प्राइसेस अब इस पर क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट होती हैं और क्या, क्या क्या चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जिसपे दुनिया की जितनी भी चीज़ें हो ना पोलिटिकल क्राइसिस उसका इमीजिएट अफेक्ट होता है इमीजिएट अफेक्ट अब ये देखें इस ग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें हर एक चीज़ें ईरान एर, इराक वॉर का कितना बड़ा जंप ईरान और इराक़ मिल दुनिया की बहुत बड़ी तादाद में ऑल फराहम करते हैं तो उनमें जब जंग हो रही थी ईरान इराक वॉर में तो बिल्कुल आगे बढ़ गई थी क्राइसिस और उसके अलावा जो रिसेशन है लिबिया के जो है सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लिबिया हालांकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है लेकिन उसकी अप्राइजिंग में जो कदाफ़ी वगैरह के साथ जो केस हुआ था उसमें एकदम से बिल्कुल बढ़ गई थी लिबिया एक मुल्क तो आप देखें कितनी सेंसिटिविटी होती है ऑयल प्राइस के अंदर दुनिया भर की और ये जो है सारी जो पूरी हिस्ट्री है दो तक के और ये सारे स्पाइक्स देखें अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जी इस ये ये हुआ था इस वजह से प्राइस बढ़ी ये ये हुआ था इस वजह से प्राइस बढ़ी तो ये सब पॉलिटिकल है राइट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे मैंने पहले बताया था वेदर बहुत बड़ा चीज़ है अमेरिका की सारी रिफाइनरी जो है वो साउथ में है हीस्टर्न वगैरह टैलस है और वहाँ पर सारे तूफ़ान सबसे ज़्यादा वहीं पर आते हैं तो एक बड़ा तूफ़ान आया दो चार रिफाइनरी को डाउन किया प्राइस बिल्कुल बढ़ गई तो इतनी सेंसिटिविटी आप देखें कि ये छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल प्राइसेस कितनी बढ़ जाती हैं और ऑयल प्राइसेस से बाकी सब चीज़ों की प्राइसेस का भी ताल्लुक़ है अंडे की प्राइस का ताल्लुक ऑयल प्राइसेस से क्यों ट्रांसपोर्टेशन राइट गाजर की प्राइस का ताल्लुक ऑयल की प्राइस से क्यों ट्रांसपोर्टेशन अब ये देखें ये मुख्तलिफ प्राइसिस हैं जैसे मैं पहले बता रहा था कि नेगेटिव में चली गई थी प्राइस ये जो लेफ़्ट साइड पर आपने ग्राफ देखा है इसके अंदर देखा आप ये पूरी प्राइस जो है बिल्कुल नेगेटिव पे जा रही है और इसका मसला वही था सऊदी अरबिया और रशिया का जो तसल शुरू हुआ था उसकी वजह से आज की प्राइस मार्च छः दो की प्राइस आ, मतलब दो दिन पहले जब मैंने देखी थी तो ये थी अब आ, देखें उस, सिर्फ दो कुछ दिनों की बात है और कुछ दिनों में इनकी प्राइसेस कितनी जाती और 80 डॉलर फी बैरल 80 डॉलर फी बैरल और आप देखें ये काफ़ी काफ़ी वक्त ऐसा था कि 160 डबल प्राइस 160 डॉलर फी बैरल अब वो कंट्रीज़ जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिसमें प्रोड्यूस करती हैं जैसे गाना है गाना के पास थोड़ा सा ऑयल है नॉर्वे के पास थोड़ा सा ऑयल है इनकी सारी इकानमी उस ऑयल पर डिपेंड करती है अगर आधी रह जाए प्राइस ऑयल की तो इसका मतलब आपकी इकानमी आधी रह जाती है तो ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं ये बहुत सफ़र करती हैं इस फ्लक्चुएशन की वजह से इस सबसे इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इनको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और कंट्रोल करने का कोई वो वो तरीक़ा नहीं है क्योंकि फोर्सेस हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्स भी है जियोपॉलिटिकल पोलिटिकल फोर्स भी हैं वो सब मिला के प्राइस को जो है वो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर सकते हैं